साल 2022 का सबसे बुरा दिन आज 20 जनवरी साबित हुआ है। आज के दिन कई ऐसी बुरी खबरें सामने आई हैं जो बॉलीवुड के लिए वाकई चौंकाने वाली है। पहली खबर अरुण वर्मा को लेकर सामने आई, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अरुण वर्मा का निधन हो गया। दूसरी खबर जाने माने बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर शान की माताजी को लेकर सामने आई, उनकी माँ का अचानक निधन हो गया। तीसरी खबर शाहिर शेख के पिता को लेकर सामने आई, शाहिर शेख के पिता कोविड-19 के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गए। वहीं चौथी खबर सामने आई जाने माने कोरियोग्राफर एमो डिसूजा के साले को लेकर, यानी कि ब्रदर इन लॉ को लेकर, उनके ब्रदर इन लॉ को लेकर खबर सामने आई कि उन्होंने सुसाइड कर ली है और मिलत नगर वाले घर में उनका शव बरामद हुआ है। हाल फिलहाल बॉलीवुड के लिए ये चारों लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे और सोचने वाली बात यह है कि 2022 की अगर बात की जाए तो आज का दिन बॉलीवुड जगत के लिए सबसे ज़्यादा बुरा दिन साबित हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। चार ऐसे लोग चले गए हैं जो वाकई बॉलीवुड में या तो सेलिब्रिटीज़ थे या तो फिर सेलिब्रिटीज़ के करीबी थे। साल 2022 का ये पहला दिन है जिस दिन चार लोगों के जाने की खबर सामने आई है जो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के किसी न किसी सेलिब्रिटीज से खास ताल्लुक रखते थे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।